हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, बज रहे हैं अभी 10:05 हो रही है और मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है वैसे तो, लेकिन अच्छा भी है, ठंडा हो रहा है। बारिश वगैरह 2-3 दिन से लगातार हल्की हल्की चल रही है, कभी तेज़ हो जाती है और शाम तक तो ओले भी पड़े हैं खूब सारे। और सुबह का जो काम है मेरा ख़त्म हो गया, बस अभी एक दो काम रह गए हैं। आज सोच रही हूँ, मम्मी ने पीछे किचन गार्डन बनाया हुआ है तो उसमें मोर की आवाज़ आ रही है सारा दिन। मोर पानी पानी मतलब चिल्लाते रहेंगे, तो इन्हें ये पूछो। इतनी बारिश हो रही है और पता नहीं कितनी बारिश पड़वाएंगे। मम्मी की तबीयत के लिए आप लोगों ने जो मैंने वीडियो डाली है ना, उस पर सबने कमेंट करे हैं, तो मम्मी की तबीयत का समझ में नहीं आ रहा। पहले माता मतलब जो इनको निकली है, मैं आई थी यहाँ पे, मेरे से आने से मतलब 2 दिन पहले निकली थी, 10-11 दिन तो मुझे ही हो गए अब यहाँ पे। तो अब उनको क्या है कि नहा ली, सब ठीक हो गया, लेकिन बुखार नहीं जा रहा था। फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने बोला है वो रुकी है पता नहीं। अब उन्होंने दोबारा दवाई दी है, फिर से निकली है, निकल रही है वो हल्की हल्की कहीं कहीं। उसके बाद में आज फिर 3 दिन की दवा दी थी, बुलाया है तो मम्मी गई हैं डॉक्टर की दवा लेने के लिए, दिखाने के लिए कि मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेस्ट सारे हुए हैं, नॉर्मली रिपोर्ट हैं वो सब तो, लेकिन जो माता का चेचक का ये समझ नहीं आ रहा कि रुक के भी निकलती है इतने इतने गैप पे, क्योंकि मम्मी को खुद 12-13 दिन हो गए और उसमें इतनी कमज़ोर और हो गई है बहुत ज़्यादा। और मेरा अभी कुछ पता नहीं है मैं गाजियाबाद कब जाऊँगी, आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि मम्मी की तबीयत पहली बात तो अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और ठीक हो जाएंगी जैसे बुखार वगैरह भी, तो कमज़ोरी इतनी है बहुत ज़्यादा। और काम काम है मतलब गाँव में बहुत सारा है, क्योंकि भैंस भी रखती है मम्मी और घर में भी, घर काफ़ी बड़ा है गांव में, तो ये सब झाड़ू पोछे तो बहुत हो जाता है। मैं कि थोड़ा सा मैं इधर ही रुकूंगी, क्योंकि जब तक खाने पीने अच्छे से नहीं लगेंगी, थोड़ी जान नहीं पड़ेगी, फिर मैं उसके बाद ही जाऊंगी। लेकिन कब जाऊंगी पता नहीं, क्योंकि आज मुझे 10 दिन हो गए। मैं आई थी 20 तारीख को और आज हो गई 1 तारीख, मतलब 10-11 दिन हो गए आज मुझे। तो यहाँ आके वैसे गला भी मेरा पहले के मुकाबले सही है, जैसे बीच में मेरा गला ख़राब रहा था थोड़ी थोड़ी, जैसे बोलने से आवाज़ तो अभी भी हो जाती है डाउन, लेकिन वैसे ठीक है। काम बहुत सारा हो जाता है, थकान हो जाती है। 2 दिन तो मुझे भी ऐसी रही है तबीयत ख़राब, जैसे मैंने लगातार दवा ली है, क्योंकि उतना काम करने की आदत है नहीं है। और पहले क्या रहता था, आती थी तो मम्मी भी थोड़ा सही रहती थी, तो कुछ कुछ काम अपने मम्मी खुद करती रहती थी, लेकिन अभी क्या है कुछ भी नहीं करती है। तो भैंसों का भी घर का सारे काम का लोड हो गया है। वीडियो बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बना नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ट्राईपॉड भी नहीं लाई इस बार। मैं बस से आई थी, गाड़ी से आई भी नहीं, तो ट्राईपॉड आया नहीं है। कहीं थोड़ा बहुत लगा के सेट करके देखूंगी, बनाऊंगी वीडियो। और किचन गार्डन मम्मी के वहाँ अच्छे खासे टमाटर लग रहे हैं, ऐसे मोटे मोटे, वो आपको मैं दिखाऊंगी। और बारिश सिस्टम पे यहाँ हो रही है, आप लोगों की कहाँ कहाँ हो रही है मुझे बताना। कल हमारे यहाँ पे यानी कि कितना 30 तारीख को ओले पड़े थे, जो कि मेरे पड़ोस में ही शादी थी, जट्टारी शादी करी उन्होंने फार्म हाउस में, लेकिन बहुत ओले पड़े हैं यहाँ पे। गांव में ओले नहीं पड़े हैं, लेकिन वहाँ बाजार में ओले पड़े हैं। पापा जी गए थे शाम के टाइम में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश ज़्यादा थी यहाँ के गांव के हिसाब से। लेकिन अभी तो फसल वगैरह का तो किसान का कोई नुकसान फिलहाल में है नहीं है, क्योंकि जो फसल बोनी थी वो छोटी छोटी है, तो उसके लिए सही है कि बारिश हो रही है। बहुत गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि रात को अगर बारिश ज़्यादा गर्मी या दिन में हो जाती तो रुका नहीं जाता बिल्कुल भी। और बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन मम्मी की तरफ से सबका ही मन दुखी है, परेशान है सभी। क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बुखार भी लगातार लगातार बना हुआ ही है, अभी उनका बुखार नहीं जा रहा। डॉक्टर 2 चेंज कर दिए, जो पहले वाला था वो मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैंने दूसरे वाले डॉक्टर के पास मम्मी को भेजा, तो उन्होंने 3 दिन की दवा दी थी, अभी आज दोबारा से गई हैं, देखते हैं अब क्या बोलते हैं डॉक्टर। किचन गार्डन में थोड़ा सा मम्मी के बीज रखे हुए हैं भिंडी के, उन्हें लगा देती हूँ, मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़े उग जाएंगे, हो जाएगी। और मम्मी ने लौकी वगैरह के, तोरी के और करेले के, खीरा, ये सब के लगाए हुए हैं पेड़। तो बस यही है, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ, क्या करूँ मैं। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में।
यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है ना, और आपने पीछे जो वीडियो देखी ना, जो गाने वगैरह किए मैंने डांस की लगा रखी हैं, तो जो मेरे पड़ोस में शादी थी उन्हीं के यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहे थे, जैसे रात को गाने वगैरह, मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी जो आपके साथ शेयर की है, जो आपने देखा है ना लहंगे में और कुर्ता पजामे में, जो बुआ भतीजी हैं दोनों, उन्होंने डांस किया था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हंसी मजाक वाला रहा है, और जो कि बारात भी वहाँ से सदरपुर से गाजियाबाद से ही आई थी। तो यहाँ पे देखिए मुझे कहीं जाना पड़ा तो अलीगढ़ की साइड में मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या मम्मी वगैरह काफ़ी लोग हैं, मतलब मम्मी मेरी ताई जी और पड़ोस में चाची वगैरह हैं, वे सब हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन मैंने आपको अलीगढ़ साइड का वीडियो बना करके दिखाया है, क्योंकि गाजियाबाद की तरफ का तो मैंने काफ़ी बार शेयर किया आपके साथ में, इस साइड का नहीं किया है। तो ये देखिए खेतों में चारों तरफ उतनी फसल नहीं है जितनी गाजियाबाद साइड में आपको मैं आते समय दिखाती हूँ, या उधर साइड में रहती है। इधर थोड़ा सा फसल वगैरह का पूरब की साइड में मतलब कम ही रहता है, जैसे बारिश वगैरह होगी तब, और कुछ कुछ फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सी फसल कहाँ पे बोई जाती है।